हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, और मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों फिर एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं। ये मध्य प्रदेश सातना गया हुआ है लड्डू गोपाल, जिनकी अनबॉक्सिंग हो रही है। इन्होंने प्रण किया था जब तक लड्डू गोपाल जी को हम सही सलामत नहीं देख लेंगे तब तक आँखों पर पट्टी नहीं खोलेंगे। तो देखिए आँखों पर पट्टी बंधा हुआ है इनके, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। इन्होंने जब तक लड्डू गोपाल जी का अनबॉक्सिंग अनपैकिंग नहीं कर लिए उसके बाद ही इन्होंने अपना आँख खोला, सबसे पूछ लिया ठाकुर जी कैसे हैं। सभी लोग बोले बहुत अच्छे हैं, तब जाकर इन्होंने अपने आँखों का पट्टी खोला। देखिए भक्त का भाव कितना अच्छा रहता है, ये सब भाव देख कर बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि वीडियो में आप देख ही पा रहे हैं। और ये बच्चा बहुत ही ठाकुर जी का भक्त है, बहुत ही प्यारा बच्चा है जी हाँ। तो देखिए वो ठाकुर जी से कितना प्यार कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए अभी भी नहीं खोले, अपने बहन से पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, पहले तुम बताओ फिर हम अपने आंखों की पट्टी खोलेंगे। पहले इनकी बहन दर्शन की, इनकी मम्मी दर्शन की, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आँख की पट्टी खोली। तो ये एक भक्त का भाव ही होता है दोस्तों। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए दोस्तों। और हम देखिए ठाकुर जी के भक्त हैं, तो एक भक्त के भाव को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए इन्होंने ठाकुर जी को अब वस्त्र वगैरह पहना दिए, इन्होंने हमसे सिंगार का सामान वस्त्र सब कुछ लिया है। अब देखिए इनकी नज़र उतार रहे हैं ठाकुर जी की, जी हाँ अब ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे। इस तरह से वो पांच बार उनका नज़र उतार रहे हैं ठाकुर जी का। ये सब एक भक्त की भाव ही होता है गाइस, ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी भक्तजन ठाकुर जी का सेवा करना चाहते हैं वो इस नंबर पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7569122661। तो जी हाँ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा टीवी से मंगाया, भक्ता दीदी बहुत अच्छी है। किसी को भी अगर लड्डू गोपाल या अन्य सामग्री चाहिए तो वो भक्ता दीदी से कॉल करके बात कर सकते हैं, मंगा सकते हैं लड्डू गोपाल। भक्ता दीदी बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी देंगी, बहुत अच्छे लड्डू गोपाल भी देंगी, बहुत अच्छे हैं। देखिए मैंने प्रॉपर में अपनी पेंटिंग की अपने हिसाब से रेडी करवाई, तो हॉट पिंक के राधा नाम लिखवाया था, बाजू वन मोर पंखी मैंने बहुत अच्छे से अपने भाव के हिसाब से मैंने सजवाया था। और भक्ता दीदी मैं सबके भाव के हिसाब से रेडी करती हूँ। लड्डू गोपाल देखिए कितने प्यारे हैं, मैं तो इनको जब से देखा तो देखता ही रहेगा। जब से देखा तुझे जान क्या हो गया, मेरी वृंदावन बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरा वृंदावन बिहारी मैं तेरा हो गया। था भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर, था भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर, प्यारे अपना मोहित वो लुटाएंगे जरूर। ये भरोसा किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे, सावरे 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 सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन छोटे दूसरा का जल लगा, एक तो तेरे नैन छोटे दूसरा
काजल लगा, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। गद्दी रद्दी जप चले आएंगे बिहारी, री रद्दी जप चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बबीता दीदी, और ये जो ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको भी राधे राधे। मैं रामनगर से मनीष गुप्ता, सतना जिला एमपी से हूँ। मैंने ये लड्डू गोपाल हरे कृष्णा टीवी से मंगाया है बबीता दीदी से। बबीता दीदी ने बहुत अच्छी क्वालिटी दी है, बहुत अच्छे लड्डू गोपाल हैं। ये मेरे घर कल ही आए हैं और मैं तो इनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो परेशान था, जब से मैंने ऑर्डर दिया था तब से मैं दीदी को रोज कॉल करके पूछता था कब आएंगे कब आएंगे। दीदी बहुत समझाती थी, बेटा टाइम तो लगता है ना। दीदी की बात पे मानता था क्योंकि दीदी को मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, और दीदी मेरे को हमेशा समझाती रहती थी कि बेटा टाइम से रखो, भाव तुम्हारे अच्छे हैं, धीरज रखो, ठाकुर जी जरूर आएंगे। इसलिए मैं दीदी की बात मानता था और मैं वेट करता रहा करता रहा कि ठाकुर जी आ ही गए। था भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर, था भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर, प्यारे अपे ना मोहित वो लुटाएंगे जरूर। और आखिर श्याम आ ही गए, मेरे लड्डू मेरे वासु आ ही गए, मेरे श्याम सुंदर। अगर आप किसी को भी परचेज करना हो लड्डू गोपाल श्याम सुंदर यानी और कुछ सामग्री, तो आप बबीता दीदी से संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके एसएमएस करके पूछ सकते हैं। बबीता दीदी आपको पूरी हेल्प करेंगी, आपकी विग्रह घर तक पहुंचाने में पूरा हेल्प करती हैं, और क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी देती हैं बबीता जी। देखो कितने मस्त मेरे श्याम सुंदर लड्डू गोपाल है। मैंने अपनी पेंटिंग के हिसाब से रेडी कराया था, दीदी ने उसी तरह तैयार करके दी मेरे श्याम सुंदर, बहुत 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 अच्छे हैं। मैं थैंक यू बबीता दीदी। मैं तो चाहूँगा कि आप जैसी बड़ी बहन सबको मिले, आप अपना स्नेह प्यार हमेशा बनाए रखें, और सब कोई बबीता दीदी को शेयर कर सपोर्ट करें, और उनकी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करें, फॉलो करें, ताकि बबीता दीदी आगे बढ़े और हम सबको भी आगे बढ़ने का मौका दें। बबीता दीदी थैंक यू बबीता दीदी। बबीता दीदी बहुत अच्छी है, पता है मैं बबीता दीदी से हमेशा बात करती है तो मेरा मन करेगा कि मैं डेली बात करूं बबीता दीदी, लेकिन बबीता दीदी बिजी भी रहती है इसलिए मैं सोच कर मैं कभी कभी कॉल कर लिया करता हूं और बात करता हूं। बबीता दीदी मेरे से बहुत बात करेंगी, समझाएंगी मेरे को कि ऐसा है वैसा है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और हाँ एक बात और, मैं मेरे को भी अच्छी नहीं लगती जो आप लोग कमेंट में दीदी से पूछते कि आपके ठाकुर जी कितने के हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत पूछा करिए। अब ज़्यादा हो तो आप व्हाट्सएप में एसएमएस करके पूछ लिया करिए, बबीता दीदी आपको बता देंगी, या कॉल करके कमेंट में मत पूछा कि ये, क्योंकि कोई ठाकुर जी का तो मोल बता नहीं सकता कि ठाकुर जी आपके कितने के हैं। अब देखिए कल ही मैं जब से ठाकुर जी को लाया मेरे से कितने लोग पूछे कि कितने के हैं कितने के हैं, तब मेरे को दर्द एहसास हुआ कि बबीता दीदी पर क्या बीतती होगी जब उनसे कोई उनके लल्ला का मोल करता होगा रेट पूछते। इसलिए अब
ग्राहक के उद्देश्य आप कॉल या एसएमएस में पूछें, उस वक्त आप ग्राहक बन जाएंगे तो बबता दीदी आपको बता देंगे। बाकी आप कमेंट में पूछेंगे तो वो किसी के इम्पॉसिबल है बताने से। मैं किसी को कॉल नहीं बताऊँ, क्योंकि मैं इनको अपना लल्ला मानता हूँ। मैं इनकी कीमत कभी कर नहीं सकता किसी से, इसलिए आप लोग कमेंट में मत पूछा करिए बबता दीदी से, कॉल या एसएमएस कर दीजिए। बाकी बबता दीदी एसएमएस खुद पढ़ के कॉल रिप्लाई करती मेरे ही। मैं 12 दिसंबर को पहला एसएमएस बबता दीदी को किया था ठाकुर जी को लेने के लिए, तो बबता दीदी ने मेरे को तुरंत कॉल किया, फिर मैं बात किया, फिर उस वक्त मैं नहीं लिया, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं बबता दीदी से 1 महीने का टाइम लिया था। बबता दीदी को बोला कि मैं फिर बताऊँगा, फिर मैं अभी मतलब मंगवाया, जब मेरे पास प्रॉब्लम चली गई जो थी। और देखिए मेरे ठाकुर जी आ गए मेरे पास। और हाँ, जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, फुल वॉच कर रहे हैं, उनसे मैं एक विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ कर, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। ये देखो मेरे कौन बैठे हैं, संस बैठे हैं। मैंने ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल है, जिनका नाम मैंने संस रखा है। और मैं चाहता हूँ कि इनका नाम वंश रख दूँ, तो मेरे बच्चे दोनों संस और वंश का है। बाकी तो ये सबके लिए ठाकुर जी है, बाकी अपनी प्रीत दिखाने के लिए कुछ नाम तो होता है। तो मैं सोचता हूँ संस वंश रख दूँ, तो आप लोग भी कमेंट में बताइए कि क्या नाम रख दूँ। बहुत अच्छे हैं लड्डू गोपाल। और देखिए शरीर थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, लास्ट में बबता दीदी कैटिंग मारते हैं। बबता दीदी प्लीज गुस्सा मत हुई है। हरे कृष्णा, राधे राधे मेरे दोस्तों। आओ मेरे दोस्तों, कैसे होंगे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद रखती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरी मम्मी है, मम्मी से पूछ लीजिए कैसा लगा इनको ठाकुर जी मिलकर। हेलो, राधे राधे दीदी, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। अच्छे लगे मेरे लल्ला लड्डू गोपाल जी, मेरे घर में आए, मेरे घर की स्वागत बना दिए, शान बना दिए। मेरे को पता नहीं था गोपनी में आए हैं मेरे लल्ला लड्डू गोपाल जी, मेरे गोपनी में आए। जब खुले जब मुझे पता चला कि मेरे घर में भगवान आ गए, ठाकुर जी आ गए। सबको राधे राधे, सारे परिवार को राधे राधे। सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो ठाकुर जी की कृपा से। जो मेरी ख्वाहिश है ठाकुर जी मेरी पूर करें मेरे लल्ला, है ना प्रभु जी। राधे राधे।